आईपीएल 2023 का आगाज आज से डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात भिड़ेगी चार बार की विजेता चेन्नई से। जाने पोसिंग प्लेइंग 11 और इम्पैक्ट प्लेयर। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 16वें सीजन का आगाज आज होने जा रहा है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 6 बजे ओपनिंग सेरेमनी शुरू होगी। इसके बाद शाम 7:30 बजे से डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस और चार बार की विजेता चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। आईपीएल में पूरे 4 साल बाद ओपनिंग सेरेमनी होगी और 3 साल बाद टूर्नामेंट होम और अवे फॉर्मेट में खेला जाएगा। यानी कि टीमें 7 लीग मैच अपने घरेलू ग्राउंड और बाकी लीग मैच विपक्षी टीम के घरेलू ग्राउंड पर खेलेंगी। आगे स्टोरी में हम गुजरात और चेन्नई का हेड टू हेड रिकॉर्ड, दोनों के टॉप प्लेयर्स, पिच रिपोर्ट, वेदर कंडीशन, पॉसिंग प्लेइंग 11 और इंपैक्ट प्लेयर्स जानेंगे। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स टीम टूर्नामेंट की सबसे सफल टीमों में से एक है। टीम ने टूर्नामेंट में मुंबई के बाद सबसे ज्यादा 4 खिताब जीते हैं। 13 में से 11 सीजन में टीम प्लेऑफ में पहुंची है और 9 बार फाइनल भी खेला है। पिछले सीजन के 14 में से टीम 4 ही मैच जीत सकी थी, इस कारण उन्हें 9वें नंबर पर रहकर टूर्नामेंट खत्म करना पड़ा था। टीम के 4 विदेशी प्लेयर्स बने स्टोक्स, मोइन अली, देवोन कॉनवे और मिचेल सेंटनर और ड्वेन प्रिटोरियम से हो सकते हैं। महेश तीक्ष्णा शुरुआती मैचों के लिए अवेलेबल नहीं है। इनके अलावा ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, दीपक चाहर और शिवम दुबे जैसे भारतीय प्लेयर्स भी टीम को मजबूती दे रहे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन का आगाज आज होने जा रहा है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 6 बजे ओपनिंग सेरेमनी शुरू होगी। इसके बाद शाम 7:30 बजे से डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस और 4 बार की विजेता सुपर किंग्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। चेन्नई पर हावी रहती है टाइटंस। हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस का यह लीग में दूसरा ही सीजन है। पहले सीजन में टीम ने सभी को चौंकाते हुए टॉप किया था। तब दोनों टीमें लीग स्टेज में 2 बार भिड़ी थी। दोनों ही मुकाबले में गुजरात को जीत मिली। कोरोना के कारण पूरा टूर्नामेंट महाराष्ट्र के 3 स्टेडियम में खेला गया था। ऐसे में दोनों टीमें महाराष्ट्र में ही आमने सामने हुई थी। दोनों टीमें पहली बार ही नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक दूसरे के खिलाफ भिड़ेंगी। ऐसे में दोनों के बीच मुकाबला देखना रोमांचक होगा।